फ्रेंड्स, मैं सेफ एचआर खान, वेलकम टू माय क्रिएटिव खाना। आज मैं आपके लिए लाया हूँ समोसा। आप बहुत सारे समोसा खाए होंगे, आज मेरा भी ट्राई कीजिए। समोसा का अंदर में जो कुछ सीक्रेट है, कुछ टेक्निक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। बहुत सारे मेरे फ्रेंड बोले घर पे समोसा बनाया लेकिन हार्ड हो गया या तो क्रिस्पी नहीं हुआ। समोसा में दो बहुत बड़ा सीक्रेट है, एक डो में है, डो कैसे बनाएंगे, और दूसरा है फ्राई में। ये दोनों सीक्रेट अगर आप जान लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप समोसा बना लेंगे। आज मेरा ये समोसा बहुत ही लाजवाब समोसा, इसको फॉलो कीजिए, ऐसे ही बनाइए, रेस्टोरेंट का जैसे ही होगा। और इससे पहले मैं दो चटनी बनाया, वो दो चटनी जरूर देखें, एक इमली का खट्टा मीठा चटनी और एक ग्रीन चटनी। ये दो चटनी के बगैर कोई भी चाट, कबाब और समोसा इस तरह का जो चीज़ है वो मज़ा नहीं आता। तो वो चटनी बहुत छोटा सा वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखें। एक ग्रीन चटनी और टमरिंड चटनी भी मेरा प्रीवियस एपिसोड में है, आप देख लेना। अभी हम समोसा बनाने के लिए 250 ग्राम फ्लावर लिए, प्लेन फ्लावर। देंगे सॉल्ट टू टेस्ट, इसमें देंगे 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कलौंजी और 1/2 टीस्पून हींग। हींग से बहुत टेस्ट अच्छा होता। और 3 टेबल स्पून ऑयल, 50 ml। तेल के बदले में आप अगर डालडा देंगे वनस्पति, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, उस पर बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल होता है। अभी इसको हम अच्छा से मिक्स कर लेंगे, फिर डालेंगे वार्म वाटर यानी थोड़ा गुनगुना गर्म पानी, उससे आटा बहुत जल्दी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास गर्म नहीं है तो आप नॉर्मल पानी भी दे सकते हैं। इसको बहुत ही हार्ड डो बनाना है, रोटी पराठा जैसा होता है उससे बहुत हार्ड डो बनाना है, सख्त डो बनाना है। इसको आप आधा घंटा के लिए हम कवर करके रख देते हैं, अगर 1 घंटा रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अभी हम बनाएंगे स्टफिंग यानी अंदर का आलू, ये जितना टेस्टी होगा उतना समोसा अच्छा होगा। इस पर हम डालेंगे 50 ml ऑयल यानी 3 टेबल स्पून, 4 रेड चिली टूटा हुआ डालेंगे और 2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1 टीस्पून कैरम सीड यानी अजवाइन डालेंगे, इसको थोड़ा फूटने देंगे, फिर 1 टेबल स्पून चॉप ग्रीन चिली डालेंगे। ग्रीन चिली से टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसको थोड़ा पका लेंगे, फिर इस पर डालेंगे हम 2 टेबल स्पून किशमिश। किशमिश इसमें बहुत अच्छा लगता है, किशमिश को थोड़ा हम फूटने देंगे। फिर देंगे हम 50 ग्राम पीनट, कच्चा पीनट को आप होल भी दे सकते हैं या तो क्रॉस करके देने से अच्छा है। फिर देंगे 1 टीस्पून हींग, हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 2 मीडियम साइज अनियन का चॉप्ड इस पर हम डाल देते हैं और इसको थोड़ा सौते कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, 1-2 मिनट थोड़ा सौते कर लेना है, मीडियम फ्लेम रखना, मीडियम फ्लेम में थोड़ा से सौते कर लेना। इस पर देंगे 1/2 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, देखिए अच्छा से थोड़ा मिला लेंगे, इनका कलर भी बहुत नाइस आ जाएगा। और रेड चिली आप चाहे तो कम ज़्यादा दे सकते हैं आपका टेस्ट के हिसाब से। इस पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला, चाट मसाला का भी बहुत चटपटा अच्छा टेस्ट आता है। इसको बहुत अच्छा से हम भून लेंगे, जितना नाइसली मीडियम या लो फ्लेम में भूनेंगे उतना टेस्ट होएगा। अभी थोड़ा सॉल्ट और दे देते हैं क्योंकि सॉल्ट पहले मैंने कम दिया था। अभी थोड़ा पकाने के बाद में आलू दे देंगे। आलू मैंने 6 मीडियम साइज आलू लिया, उसको बॉईल करके हाफ को काट लिया और हाफ को मैश करके इसको अच्छा से मैं मिक्स कर रहा हूँ। ये जितना स्लो में जितना अच्छा से पकेगा उतना नाइस टेस्ट इसमें आएगा। देखिए कितना सुंदर दिखता है, ऐसा जला जला होना चाहिए, देखिए ऐसा नीचे में जला जला होना चाहिए। ये मीडियम फ्लेम में आप अगर रखेंगे या लो फ्लेम में रखेंगे ऐसा आएगा। ये टोस्टेड क्रॉस कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून इस पर मैं दे दूँ। ये कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा है, इसको मैं सूखा थोड़ा सूखा लिया यानी टोस्ट कर लिया, करके क्रॉस करके दे दिया, देखिए कितना नाइस आ रहा। अभी देंगे 1 बॉल कटा हुआ ग्रीन कोरिएंडर, हरी धनिया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, थोड़ा ज़्यादा दे देंगे तो ये टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर ऐसा हम साइड करके रख देंगे, ये बहुत सूख जाएगा, देखिए कितना नाइस दिखता है, बहुत ही अच्छा मसाला बना है। अभी हम समोसा का पत्ती बनाएंगे, मैदा अभी हमारा आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी हम इसको काट के रोल कर लेंगे। ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए समोसा में दो सीक्रेट है, एक डो में, डो जब बनाएंगे उसमें 50 ग्राम से ज़्यादा
उसमें घी या तेल दीजिए और वार्म वाटर से उसको बहुत अच्छे से सानिए और टाइट रखिए, तभी वो समोसा क्रिस्पी होगा। देखिए ऐसा हम रोल कर लेंगे, ऐसा रोल करके फिर इसको हम बीच से काट लेंगे। ये बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में बहुत ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। इसको ऐसा रोल करके यानी बेल के बीच से काट लीजिए और देखिए कैसे, हमें ऐसा हाथ पे रखिए, फिर थोड़ा पानी लगा लीजिए, फिर फोल्ड कर लीजिए। बहुत ही ईजी है, सिंपल है। आप बार बार इसको देखिए और आप ऐसे ही बनाइए। इस पर अभी फिल कर लेते हैं, फिल बहुत ज़्यादा मत करना। हाँ, फिल बहुत ज़्यादा मत करना, फिर हम साइड में पानी लगा लेंगे, लगा के हम पीछे की ओर थोड़ा एक फोल्ड देंगे। हाँ देखिए ऐसा एक फोल्ड करना, नहीं तो समोसा का साइज अच्छा नहीं आएगा। और फिर सामने की तरफ खींच के उसको सील कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, देखिए समोसा कितना नाइस साइज हुआ और अच्छा से बैठ जाएगा। और दूसरा सीक्रेट है, समोसा को डालिए बिल्कुल लो फ्लेम में, बहुत लो। देखिए कितना लो फ्लेम है, लो फ्लेम में डालिए। 15 सेकेंड 20 सेकेंड का बाद में आप मीडियम फ्लेम कर दीजिए। मीडियम फ्लेम होने से बाहर ऊपर आने लगेगा, फिर ऊपर जब आने लगेगा तभी चम्मच लगाइए। पहले अगर आप चम्मच लगाते हैं तो समोसा कट जाएगा, समोसा में दाग हो जाएगा। और समोसा अभी देखिए तैयार हो गया, उससे 10 सेकंड पहले फुल फ्लेम करके उठाइए तो उसका सारा ऑयल निकल जाएगा। देखिए कितना आसानी से कितना नाइस सारा समोसा बन गया। चटनी का साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।